दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है संस्कृत, तो उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताए कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट कंसर्न में आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और संस्कृत के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरी प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरी प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, चरक संहिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो चरक संहिता है, यहाँ पर आपको चरक संहिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सुश्रुत संहिता का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सुश्रुत संहिता है, यहाँ पर आपको सुश्रुत संहिता का संक्षिप्त विवेचन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्योतिष के क्षेत्र में आर्यभट्ट के योगदान पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तीसरे क्वेश्चन कह रहा है जो ज्योतिष है, यहाँ पे आपको ज्योतिष के क्षेत्र में आर्यभट्ट के योगदान पर संक्षिप्त प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, महाकवि कालिदास के काव्यों का परिचय दीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो महाकवि कालिदास है, यहाँ पर आपको महाकवि कालिदास के काव्यों का परिचय देना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका पाँचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, दुर्योधन की शासन पद्धति बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो दुर्योधन है, यहाँ पे आपको दुर्योधन की शासन पद्धति बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, वनेचर की युक्तियों पे प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो वनेचर है, यहाँ पे आपको वनेचर की युक्तियों पे प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कुमार संभव के महाकाव्यत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो कुमार संभव है, यहाँ पे आपको कुमार संभव के महाकाव्यत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नीति शतक किस काव्य विधा में आता है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो नीति शतक है, यहाँ पे आपको बताना है कि नीति शतक किस काव्य विधा में आता है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्वती के सौंदर्य का निरूपण कीजिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो पार्वती का सौंदर्य है, यहाँ पे आपको पार्वती के सौंदर्य का निरूपण करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका ग्यारह क्वेश्चन दिया हुआ है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दसवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नीति शतक के अनुसार दुर्जनों की निंदा पे प्रकाश डालिए। दसवां क्वेश्चन कह रहा है जो नीति शतक है, यहाँ पे आपको नीति शतक के अनुसार दुर्जनों की निंदा पे प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका ग्यारह क्वेश्चन दिया हुआ है, कुमार संभव महाकाव्य में वर्णित प्रकृति चित्रण कमेंट कीजिए। ग्यारह क्वेश्चन कह रहा है जो कुमार संभव महाकाव्य है, यहाँ पे आपको कुमार संभव महाकाव्य में वर्णित प्रकृति चित्रण के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका बारह क्वेश्चन दिया हुआ है, उपमा कालिदास की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। बारह क्वेश्चन कह रहा है जो उपमा कालिदास से है, यहाँ पे आपको उपमा कालिदास की सार्थकता पे प्रकाश डालना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जब से लघु उत्तरी प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, गणित शास्त्र के उद्भव एवं विकास का संक्षेप विवरण कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो गणित शास्त्र है, यहाँ पे आपको गणित शास्त्र के उद्भव के बारे में बताना है, विकास के बारे में बताना है और उसका संक्षेप विवरण करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्योतिष शास्त्र किसे कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र के उद्भव विकास पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ज्योतिष शास्त्र किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको ज्योतिष शास्त्र के बारे में बताना है और ज्योतिष शास्त्र के उद्भव विकास पर प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संगीत के उद्भव और विकास का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संगीत है, यहाँ पे आपको भारतीय संगीत के उद्भव के बारे में बताना है और उसके विकास का वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, आदिकवि वाल्मीकि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो आदिकवि वाल्मीकि है, यहाँ पे आपको आदि कवि वाल्मीकि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, माघ के जीवन और कृतित्व पर प्रकाश डालिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो माघ का जीवन है, यहाँ पे आपको सबसे पहले माघ के जीवन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसके कृतित्व पर प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारवी के जीवन वृत्त और कृतित्व पर प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो भारवी है, यहाँ पे आपको भारवी के जीवन वृत्त के बारे में बताना है और उसके कृतित्व पर प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, श्री हर्ष के जीवन एवं कृतियों का परिचय दीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो श्री हर्ष है, यहाँ पे आपको श्री हर्ष के जीवन के बारे में बताना है और उसकी कृतियों का परिचय देना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कात्यायन और पतंजलि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो कात्यायन और पतंजलि है, यहाँ पे आपको कात्यायन और पतंजलि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, द्रौपदी की चरित्रगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
नौ क्वेश्चन कर रहा है जो द्रौपदी है, यहाँ पे आपको द्रौपदी की चरित्रगत विशेषताओं के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दसवां क्वेश्चन दिया है, महाकवि भारवी का काल निर्धारण करके व्यक्तित्व का विवेचन कीजिए। दसवां क्वेश्चन कर रहा है जो महाकवि भारवी है, यहाँ पे आपको सबसे पहले महाकवि भारवी के काल निर्धारण के बारे में बताना है, यानी कि महाकवि भारवी के काल के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उनके व्यक्तित्व के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका ग्यारह क्वेश्चन दिया है, भारवी की सार्थकता प्रस्तुत कीजिए। ग्यारह क्वेश्चन कर रहा है जो भारवी है, यहाँ पे आपको भारवी की सार्थकता प्रस्तुत करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका बारह क्वेश्चन दिया हुआ है, महाकवि कालिदास की काव्य कला का परिचय दीजिए। बारह क्वेश्चन कह रहा है जो महाकवि कालिदास है, यहाँ पे आपको महाकवि कालिदास की काव्य कला के बारे में बताना है और उनके काव्य कला का परिचय देना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तेरह क्वेश्चन दिया हुआ है, कालिदास की प्रकृति चित्रण की विवेचना कीजिए। तेरह क्वेश्चन कह रहा है जो कालिदास है, यहाँ पे आपको कालिदास के प्रकृति चित्रण के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौदह क्वेश्चन दिया हुआ है, कुमार संभव के काव्य सुंदर की सविस्तार विवेचना कीजिए। चौदह क्वेश्चन कह रहा है जो कुमार संभव है, यहाँ पे आपको कुमार संभव के काव्य सुंदर की सविस्तार विवेचना करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पंद्रह क्वेश्चन दिया हुआ है, नीति शतक के आधार पर मित्र का स्वरूप और उसके कर्तव्य का निरूपण कीजिए। पंद्रह क्वेश्चन कह रहा है जो नीति शतक है, यहाँ पे आपको नीति शतक के आधार पर मित्र का स्वरूप बताना है और उसके कर्तव्य का निरूपण करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सोलह क्वेश्चन दिया हुआ है, नीति शतक के अनुसार उद्यम प्रशंसा कमेंट कीजिए। सोलह क्वेश्चन कह रहा है जो नीति शतक है, यहाँ पे आपको नीति शतक के अनुसार उद्यम प्रशंसा के बारे में बताना है। तो टोटल आपके सोलह क्वेश्चन होंगे जब से दीर्घ उत्तरी प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया, सो आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।